हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चावल का बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा वड़ा, जिसे आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। और खाने में इतना टेस्टी है कि अगर आप इसे एक बार बना लिए तो फिर बार बार इसे बनाकर खाएंगे। इसकी आवाज़ देखिए, ये कितना क्रिस्पी बना है और खाने में ये बहुत ही चटपटा है। ना तो घंटों दाल भिगाने का झंझट और ना ही पीसने का, आप ये नाश्ता झटपट बना के रेडी कर सकते हैं और एक बार बना लें तो इसे कई दिन तक खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे हमारे सही वीडियो आप तक पहुंच सके। वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कच्चा आलू लिया है, इसे हमने छीलकर इसके छिलके निकाल दिए हैं और इसे हम पतले पतले पीस में काट लेंगे। इसके 2 पार्ट करेंगे और इसे बिल्कुल इस तरह से पतला पतला काट लेते हैं। आप चाहें तो इसे चिप्स की तरह भी काट लें या मोटे मोटे भी काट लें, इसे जैसे चाहे काट लें, लेकिन इस तरह से ये जल्दी पक जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे आलू के पीसेस कर लेते हैं। मैंने सारे आलू को पतले पतले पीस में काट लिया है। अब आलू को हम 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे जिससे इसके सारे स्टार्च निकल जाएं। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डालेंगे और पानी में उबाल आने देते हैं। पानी गर्म हो गया है तो अब इसी में हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। अब यहाँ पर पानी में उबाल आने लगा है तो इसी में हम ये आलू के पीसेस डाल देते हैं जो हमने काट कर रखा था। इसे हमने 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है जिससे इसके सारे स्टार्च निकल गए हैं। तो सारे आलू के पीस हम इसमें डाल देंगे और इसे इस तरह से हल्का सा चला देंगे जिससे सारे आलू पानी में डूब जाएं। पानी में थोड़ा सा नमक डालने से आलू जल्दी पक जाता है। तो अब इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट छोड़ देंगे जिससे आलू अच्छे से पक जाए। इस समय बरसात का सीज़न है तो आलू पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। गैस को इस समय लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। यहाँ पर इसे मैंने ढककर 5 मिनट लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। अब आलू चेक कर लेते हैं। इस तरह से इसे स्पैचुला से दबा देंगे और ये देखिए, ये आसानी से टूट जा रहा है, यानी आलू अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें से गरम गरम ही हम सारे आलू छान कर निकाल लेते हैं। ये ठंडा नहीं होने पाए, इसे बिल्कुल गरम गरम ही निकालें। अब इसके सारे पानी छान लेते हैं। इसमें जो पानी निकला है इसे फेंकिएगा मत, इसे आगे यूज़ करेंगे। और आलू को हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। अब गरम गरम आलू में ही 1/2 कप चावल का आटा डालेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आलू ठंडा ना होने पाए, इसे बिल्कुल गरम गरम ही यूज करना है। अब इसी में 1/2 टीस्पून से भी कम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। आप इसमें चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जो भी हो डाल दें। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे वड़े का कलर अच्छा आएगा। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप ये नाश्ता सूजी से भी बना सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जिससे सारे मसाले इसमें मिल जाएँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आलू को हमें गरम गरम ही मैश करना है। अब हम लेंगे एक मैशर और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू गरम रहेगा तो ये अच्छे से मैश भी हो जाएगा और इसी के साथ चावल का आटा भी गरम हो जाएगा, तो बनाते समय बड़ा फटेगा नहीं। इसलिए सारे मसाले को एक ही जगह रखें जिससे सारे मसाले इसमें जल्दी जल्दी डाल दें और इसे मैश कर लें। आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। इसे मैंने बिल्कुल सूखा ही मैश कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2-3 बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। अब इसे हाथ से अच्छे से मैश करेंगे और इसका आटा लगाएंगे। अभी ये काफ़ी सूखा है तो इसमें हम डालेंगे पानी, जिसमें हमने आलू उबाला था वही गरम गरम पानी हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, 1-2 चम्मच, और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसी से इसका आटा गूंद लेंगे। इसे गूंदने में सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही पानी लगेगा, तो इसमें आलू का गरम गरम पानी ही यूज कर लें तो इससे आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए, इसमें मैंने 3 चम्मच गरम पानी डालकर इसे गूंथ कर इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है। और ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट। इसी तरह का आटा रखें तो सही रहेगा। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथ को चिकना करेंगे और इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर इसके बिल्कुल छोटी सी लोई बना लेंगे। इससे पहले इस तरह से गोला कर लेंगे, उसके बाद इसे चपटा करके पेड़े की तरह बना लेंगे। अब इसमें उंगली से बीच में हॉल करेंगे और ये देखिए, अब बड़ा बनकर तैयार हो गया और ये कहीं से फटा भी नहीं है, बिल्कुल चिकना बना है। इसी तरह से हम और भी आटा लेंगे और इसे थोड़ा सा गोला करेंगे
और फिर चपटा करके पेड़े की तरह बना लेंगे और इसमें बीच में इस तरह से होल करेंगे और हमारा बड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा इतना बड़ा बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट। तो बस अब इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर गैस पर हमने पहले से पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तब इसमें हम आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। बबल्स आ रहे हैं यानी तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं, तब तक तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब इसी में हम बड़ा डाल देते हैं। इसे हमें अच्छे गर्म तेल में ही फ्राई करना है, इसलिए गैस को हाई फ्लेम पे ही रखें, बीच में इसे मीडियम फ्लेम पे भी कर दें। इसमें मैंने 4-5 बड़े डाल दिए हैं। अब इसे इसी तरह से 2 मिनट छोड़ देते हैं जिससे ये थोड़ा पक जाए। बड़ा डालने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे बस 1-2 मिनट के लिए। अभी 2 मिनट तक इसे हमें छूना नहीं है, बस इसी तरह से पकने देते हैं। और ये देखिए 2 से 2.5 मिनट हो गया है, अब ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। तो अब इसे हम धीरे से पलट देते हैं। इसे मैंने पलट दिया है, तो अब इसे हम दूसरी तरफ भी होने देते हैं और इसे उलट पलट कर अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए अभी अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब बड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, इसके सारे तेल छान देंगे और इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। अब पैन में और भी बड़े डाल देंगे और सेम टाइप से इसे भी फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैंने सारे बड़े डाल दिए हैं। अब इसे 2 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद इसे धीरे से पलट देंगे और इसे अच्छा क्रिस्पी और अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये भी हो गया है, तो इसके भी तेल छान कर इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से इसके सारे तेल छान लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। अब गर्मा गर्म बड़ा सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे टमाटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये आपको खाने में कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।